हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन का चैप्टर, और इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। एग्जाम में डेफिनेटली इस चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। खैर, बच्चों को लग रहा होगा कि सर जैसे इनकम टैक्स में तो थ्योरी थ्योरी होती है ना, ये तो घना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें ढेर सारा प्रैक्टिकल है, तो ये मत समझ लेना कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करेंगे। हां, प्रैक्टिकल के लिए पहले थ्योरी का बेस बनाना पड़ता है। तो आज की क्लास से बेटे हम आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हम आपके साथ फाइनेंस एक्ट 2018 डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंस एक्ट 2018 अभी भी एप्लीकेबल है, 19 में भी एप्लीकेबल है। तो बच्चे कहेंगे कि सर एग्जाम में अभी भी ये एप्लीकेबल है। हां, अभी भी ये एप्लीकेबल है, तो हम अभी इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे और आपको धीरे धीरे इनकम टैक्स क्या है, हमारे टैक्स के रेट्स क्या हैं, ये सारी बातें हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टार्टिंग की बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको इस चैप्टर से नहीं, आगे चल के जो चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल वहीं से आएंगे। चलिए, तो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में। हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम आपके साथ वही इंट्रोडक्शन के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ तो बेटे ये हमने पहले से ही आपके लिए थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं सो दैट थोड़ा टाइम सेव हो जाए, और क्लास में हम लिखने की बजाय ज्यादा फोकस समझाने पर करें। हाँ, और आपको ना ये नोट करना होता है। मुझे पता है बच्चे कहते हैं कि सर, पहली बात तो बच्चे ये कहते हैं मुझे कि सर हमें प्रोफेशनल कोर्स में भी आपकी वीडियोस चाहिए। मतलब ज्यादातर अभी तक हम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ही सर्व कर रहे थे, बट सी ए सी एस सी डब्ल्यू बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हमें भी आपसे पढ़ना है, तो हमने आपके लिए भी साइट के ऊपर कोर्स ओपन कर दिया है। दूसरी जो बच्चों की क्वेरी है वो ये है कि सर हम ये जो लिखा हुआ है क्या ये हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, दो चार क्लासेस वेट कीजिए, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं इसे साइट के ऊपर अपडेट कर दूंगा। आप वेबसाइट पे जो आपका कोर्स पेज है वहां से इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। अभी मैंने रोक के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बेटे हम लोग मार्केट में जो है ना, हम लोग थोड़ा ऊपर हैं और बाकी लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ गगन सर क्या कर रहे हैं, वो वही कॉपी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रोक करके इनको वेबसाइट पर अपडेट करूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे कि हमारी बिजनेस की सर्वाइवल का सवाल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है, जिससे हमने अपनी लर्निंग की स्टार्टिंग की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम जो भी पढ़ेंगे उसका रिदम हम सेक्शन 4 से लेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सेक्शन 4 में लिखा था एवरी पर्सन, तो हमने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई थी कि इसमें 7 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, हूज टोटल इनकम। अब सर टोटल इनकम क्या होती है, तो पहले तो आज की क्लास में हम आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस देंगे, क्योंकि टोटल इनकम निकालने में अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टोटल इनकम के बारे में बता देता हूं। तो एक तो टोटल इनकम ये है सेक्शन 245 में डिफाइन की है। ये 245 कहता है कि भाई टोटल इनकम के लिए सेक्शन 5 के ऊपर चले जाओ, यानी टोटल इनकम एक बार सेक्शन 5 के रेफरेंस में भी है और एक बार सेक्शन 14 के रेफरेंस में भी है। ठीक है, तो अभी इनिशियली आप सारी बातें एक साथ नहीं समझ सकते, इसलिए हम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बातों को समझाते हैं, और इसीलिए बच्चा हमें सबसे ज्यादा पसंद भी करता है। हाँ, तो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो टोटल इनकम, हमारे इस चैप्टर के अंदर टोटल इनकम की बहुत गहराई में नहीं जाना, सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझना है कि हमारा इनकम टैक्स कहता है कि टोटल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल इनकम। आगे चल के आपको बताएंगे, आपकी इनकम है, कुछ इनकम ऐसी होती है जो लॉ में एग्जेम्प्ट है और कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि टैक्सेबल है। तो सरकार कह रही है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है ना, वो इनकम आप हमें 5 हेडिंग्स के अंदर बताओगे। वो 5 हेडिंग्स क्या हैं? अगर आप सर्विस करते हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी हुई है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस करते हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, या मेरे केस में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आप कह सकते हो, हालांकि मेरा भी बिजनेस ही है। उसके बाद
अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की है तो उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी सेल कर दी, आपने अपने कोई शेयर सेल कर दिए, आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कुछ ऐसी चीज सेल कर दी, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, बिजनेस और कोई संपत्ति बेचने से हुआ प्रॉफिट, इन चारों को छोड़ के अगर कोई और इनकम है तो वो अदर सोर्स की इनकम कहलाती है। तो इन पांचों हेड में कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है। तो इन पांचों हेड में जो जो टैक्सेबल इनकम है ना उसकी बात करो, तो टोटल इनकम मींस एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर ऑल द फाइव हेड्स, और ये पांच हेड्स हमारे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांच हेड्स हैं, इन पांच हेड का टोटल कर लो। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जी, माइनर है तो कई बार माइनर की इनकम को उसके पेरेंट की इनकम में गवर्नमेंट ऐड करती है। हमने असेसी की डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि कई बार किसी और व्यक्ति की वजह से आपको असेसी बनना पड़ सकता है, तो यानी कई बार लॉ को लगता है कि आप अपनी इनकम किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में डाल रहे हो तो गवर्नमेंट वो इनकम को आपकी इनकम में जोड़ लेगी, जिसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, आगे चल के आएगा, ठीक है। और साथ साथ अगर आपके पास पिछले वर्षों में या करंट ईयर में कोई नुकसान हो गया है तो उसको एडजस्ट कर लो, गवर्नमेंट कहती है नेट करके इनकम पे टैक्स लेंगे। और टैक्सेशन के अंदर एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है डिडक्शंस, मतलब आपकी इनकम में से गवर्नमेंट कुछ अमाउंट डिडक्शन दे देती है। डिडक्शन का मतलब होता है कम करना, हम सभी को डिडक्शन अच्छी लगती है, सामान खरीदने गए तो डिडक्शन मतलब डिस्काउंट, कम हो जाएंगे पैसे, तो इनकम टैक्स में डिडक्शन का मतलब होगा कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा, अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसको बड़ा हॉट टॉपिक होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये जो पांच हेड्स हैं, इन पांच हेड्स को अगर मैं ऐड कर दूं, 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांच हेड्स को जब मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद बेटे ये जो एडिशन आता है ना, इसको हम एक नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमसे ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट कहती है इसमें से आप डिडक्शंस माइनस कर दो अंडर सेक्शन 80 की, और फिर जो आपकी इनकम आएगी उस पे हमें टैक्स देना। तो अभी टोटल इनकम का मतलब है बेटे पांच हेड की इनकम माइनस डिडक्शन, तो ये टोटल इनकम आती है, ठीक है। नाउ एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, टोटल इनकम भी हमने सीख ली कहां से आती है, अभी इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चैप्टर, कोई कॉम्पिटिटर आपको इससे ज्यादा अभी बता रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। इस टोटल इनकम में ये जो मैंने ग्रीन कलर से इनकम लिखी हुई है, ये क्या है, कैपिटल गेन, मतलब होता है हमने अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो कैपिटल गेन है ये दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, जिससे हमने लिखा है ST, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में ये दो स्पेशल कैटेगरी मैंने डिवाइड की हैं अभी, क्योंकि इस चैप्टर में इनका रेफरेंस आएगा। तो इस शॉर्ट टर्म में एक खास तरह की शॉर्ट टर्म इनकम है जिसे बोलते हैं 111A, सेक्शन 111A। तो अभी आप जानते नहीं, इसलिए आपको चैप्टर के अंदर लिख के दे दिया जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर 111A, और एक होता है लॉन्ग टर्म अंडर 112, ठीक है। और अदर सोर्सेज, मतलब इन चारों को छोड़ के आपकी कोई और इनकम है, इसको छोड़ के कौन सी इनकम होती है, सैलरी की ना हो, मकान का किराया ना हो, बेचने से प्रॉफिट ना हुआ हो और बिजनेस से प्रॉफिट ना हुआ, इन चार को छोड़ के कोई और इनकम है, जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है, आपने शेयर खरीदे तो उन पे डिविडेंड हो सकता है, आपको आपके रिश्तेदार ने गिफ्ट दिया, सगन, पैसा मिला, कुछ भी मिला, तो बहुत सारी इनकम होती है जो इन चार हेड्स में नहीं आती, वो यहां आ जाती है अदर सोर्स के अंदर। इसमें एक स्पेशल किस्म की इनकम होती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी खेलना, ठीक है। तो लॉटरी खेलना इलीगल नहीं है, कई स्टेट्स में लॉटरी अलाउड है। गैम्बलिंग, सर गैम्बलिंग तो इलीगल है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इलीगल है तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हम टैक्स जरूर लेंगे, हमें पैसे में कोई भेदभाव नहीं है कि आपने अच्छे तरीके से कमाया बुरे तरीके से कमाया, मुझे मेरा टैक्स दे दो, अगर आपने बुरे तरीके से कमाया तो भी टैक्स दे दो, और जो बुराई की उसकी सजा जाके जेल में भुगतना। अच्छा, रेसिस देखते हैं ना, रेसिस में पैसा लगाते हैं, और सबसे पॉपुलर होता है हॉर्स रेस, नवाबों के शौक है, कार्ड गेम, पत्ते खेलना, तो ये सारी इनकम इस हेड में आती है और इसका इस चैप्टर में खास रोल है, इसीलिए मैंने आपको ये दो तीन इनकम यहां पर बता दी, बाकी नहीं बताई। खैर, अब ये जब आप इनकम अपनी निकालेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे, तो ये जो इनकम आएगी इसके रिगार्डिंग लॉ एक बात कहता है। लॉ कहता है कि देखिए, जो भी इनकम आपकी आएगी ना, इसे मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड ऑफ कर देना। तो एज पर सेक्शन 288 कैपिटल ए,
टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। अब इसके भी रूल्स लॉ ने लिखे हैं कि कैसे आप मल्टीपल ऑफ 10 लाओगे। फॉर दिस पैसा शेल बी इग्नोर्ड, कहते हैं कि पैसे को इग्नोर कर देना। एंड फॉर 5 एंड अबव, अगर लास्ट में 5 है या उससे बड़ी फिगर है तो अगले मल्टीपल ऑफ 10 पे चले जाओ, अदरवाइज पिछले मल्टीपल 10 पे चले जाओ। तो ये बात थोड़ी सी हो सकता है आपको मुझे समझानी पड़े। तो ये हमने इनकम लिखी है। अब ये जो हमने लिखा, आप इसे पढ़ करके क्या इनकम को राउंड ऑफ करके बता सकते हो? देखो, मैंने आपसे कहा था जी पहले तो पैसे इग्नोर कर दो, यानी ये 95 को हटा दो। अब यहां क्या है सर? यहां तो 4 है, तो 4 है तो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि यहां पर आपकी जो इनकम निकल के आएगी फर्स्ट केस में वो निकल के आएगी 14,17,810 रुपीज। कैसे किया? पैसा हटा दो, लास्ट में क्या बचा? 814। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर यहां 95 है ना, तो ये 815 कर दोगे ना। लॉ कहता है पैसा हटा दो, राउंड ऑफ मत करो, हटा दो। ठीक है, अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दोगे तो यहां 815 हो जाएगा, लेकिन 815 के लिए रूल अलग है, इसीलिए पैसे को राउंड ऑफ मत करो, पैसे को हटा दो। ठीक है, दूसरे केस में पैसे को हटा दो और फिर देखो कि यहां पर जो फिगर है क्या वो 5 है? यस, तो अगला मल्टीपल ऑफ 10, तो सर ये तो हो जाएगा 14,70,820। फर्क समझ में आया? 5 हो या 5 से बिगर हो तो नेक्स्ट मल्टीपल। तो बताओ अगले केस में क्या हो जाएगा? 14,70,818। पैसे को छोड़ दो और 818 है तो ये सर 820 हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आती रहेंगी। ठीक, वापिस आते हैं। हमने पर्सन समझा, हमने टोटल इनकम समझा, हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर भी समझ लिया कि जिस ईयर में हम इनकम को कंप्यूट करते हैं, इनकम उस ईयर की नहीं उसके पीछे की ईयर की लेके चलते हैं। अभी चल रहा है 1920, तो 1920 में कौन सी इनकम प्रीवियस ईयर की कहलाएगी? 1819 की कहलाएगी। ठीक है, तो इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो हम आपको बताते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो कौन सा अमाउंट है जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। इस अमाउंट को हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, तो आइए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी समझते हैं। नाउ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती। मतलब ये है, सरकार कहती है कि भाई कोई बच्चा है बेचारा घर आकर के ट्यूशन पढ़ाता है और ट्यूशन पढ़ा के उसको 10,000 रुपए महीना मिलते हैं। पूरी शाम बैठ के बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, ये सोचता है कि चलो मेरी एजुकेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और घर में दो पैसे भी आ जाएंगे। 10,000 रुपए महीना कमाता है, साल भर का हो गया 1,20,000 रुपए, 1,20,000। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना है ना कि कौन सा अमाउंट एक बेयर मिनिमम अमाउंट है, इससे नीचे वाले को हम तंग नहीं करेंगे, वो बेचारा क्या इनकम टैक्स पड़ेगा और क्या समझेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय की हुई है। ठीक है, आइए, ये लिमिट साल दर साल बदलती रहती है, फाइनेंस एक्ट इसको डिफाइन करता है। और बड़े दुख की बात है कि साल दर साल महंगाई बढ़ती है, बहुत कुछ बढ़ता है, लेकिन ये लिमिट सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है। तो हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2018 की। फाइनेंस एक्ट 2018 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 1819 या असेसमेंट ईयर 1920। जब भी हम असेसमेंट ईयर कहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर में आ जाते हैं, पिछले साल में आ जाते हैं, यानी 1819 की बातें कर रहे हैं कि 1819 ईयर में जो भी आप कमा रहे थे वो कितना माफ था। ठीक, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल और HUF और AOP BOI और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन ओनली। मैं एक बार बुक से भी दिखा दूं वरना आप कहोगे। हाँ जी सर, देखिए हमने ये सारी की सारी बातें पढ़ ली हैं, हमने पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ ली है और समझ भी ली है असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, नए बिजनेस का प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक्सेप्शन जब इनकम सेम ईयर में टैक्स हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम आपके साथ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं सेक्शन 4 की, और उसमें हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इसको हम डिस्कस करें। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट केवल किसको दी है? गवर्नमेंट ने हर पर्सन को नहीं दी, इंडिविजुअल को दी है, एचयूएफ को दी है, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन को दी है। यानी किसको नहीं दी? फर्म को नहीं दी। यानी फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना लें तो भले आप 10,000 रुपए सालाना कमा लो, आपको टैक्स देना ही देना है। कोई छूट पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है सर, कंपनी, कोई छूट नहीं है कंपनी के लिए, ना पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई छूट है और ना ही कंपनी के लिए कोई छूट है। आपको पूरा जो भी कमाओगे सब टैक्स देना पड़ेगा। यह छूट सिर्फ बाकी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए है, लेकिन किसके लिए कितनी है आइए। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000 फॉर अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन, यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, सबके लिए 250 है, सबके लिए 250 है। लेकिन दो कैटेगरीज को छोड़ दो, दो स्पेशल केसेस को छोड़ दो। पहला, क्या आप इंडिविजुअल हैं? बिजनेस यूनिट नहीं, क्या आप इंडिविजुअल हैं? मैं इंडिविजुअल हूं, हां। क्या आप रेजिडेंट हैं? अब सर अभी तो आपने रेजिडेंट पढ़ाया ही नहीं, वो तो अगला चैप्टर है, तो अभी क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है। रेजिडेंट वो होते हैं जो हमारे देश के अंदर 182 डेज से ज्यादा रहे हो, चाहे हमारे देश वाले थे चाहे बाहर वाले थे, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं, क्वेश्चन ने बता दिया, और आपकी एज, उम्र कितनी है? मोर देन 80 इयर्स। सर मोर देन 80 इयर्स का मतलब हम इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी कमा रहे हैं। हां, सरकार को हमसे टैक्स लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार छोड़ेगी नहीं, सरकार कहती है हम लेंगे आपसे, लेकिन आपकी एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो प्रीवियस ईयर के लिए 5,00,000 रुपए है। यानी 5,00,000 से ज्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो टैक्स देना है। सर एक विदेशी भारत में आता है, विदेशी मतलब नॉन रेजिडेंट, भारत में आता है और भारत में आकर के वो 6,00,000 रुपए कमाता है या 5,00,000 रुपए कमाता है, तो क्या उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो, उसको नहीं मिलेगी। तो याद रखना कि ये जो लिमिट 5,00,000 की है ये केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 80 हो गई तो भी मिलेगी, कब हो गई? साल में कभी भी हो गई, ठीक। इसको हम बोलते हैं कई बार वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर, बहुत बूढ़ा हो चुका है। आजकल तो लोग इतनी एज तक सर्वाइव भी नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा हो गया इंडिविजुअल है, अभी भी रेजिडेंट, हाँ, लेकिन एज थोड़ी कम है, 60 साल या उससे ज्यादा, तो इसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं, किसी भी समय साल में आपकी एज 60 हो गई थी, उस तो फिर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 3,00,000 रुपए। इन दोनों के लिए लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी सबके लिए है 250। नाउ इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की एज है 65 इयर्स, उसने इनकम कमाई है मान लीजिए 10,00,000 रुपए, बताएं उसको कितना टैक्स देना है? इंडिविजुअल है, एज है 65 इयर्स, इनकम है 10 साल, बताओ कितना टैक्स देना है? तो भाई पहले तो यह पूछना पड़ेगा कि उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, और जानते हो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि क्या वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। तो याद रखना ये दो कैटेगरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी को मैं चार्ट की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन कैसा है? इंडिविजुअल है, ओके, रुको सर, इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ है, एओपीओ है, बीओआई है, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन है, क्या इनकी कोई एज का मसला है? ना सर, लेकिन ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां उन्होंने कोई बेनिफिट थोड़ी ना दिया हुआ है कि मैं ये चेक करूं कि ये एचयूएफ रेजिडेंट है या नहीं है। एचयूएफ है तो 2,50,000 रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर ये सर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, तो कुछ भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। हां, यानी सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी है वो इंडिविजुअल के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब इंडिविजुअल दो तरीके के हो गए, एक तो हो गए रेजिडेंट और एक हो गए नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट है तो उसमें भी गवर्नमेंट ने लिखा कि भैया पहले एज चेक करेंगे, एज क्या है, क्या एज उसकी 80 इयर्स या उससे अधिक है, अगर है तो उसकी लिमिट ले लेना 5,00,000, यानी उसे 5,00,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो 80 से छोटा है लेकिन 60 या उससे बड़ा है तो 3,00,000 तक की इनकम तक टैक्स नहीं देना, ठीक है। ये दो स्पेशल केस थे। अब सर इंडिविजुअल, देखना, मैं रेजिडेंट, हां, एज एज लेस देन 60,
मेरी एज लेस देन 60, आपकी एज लेस देन 60, आपके पेरेंट्स की एज चेक कर लेना, लेस देन 60 है तो ये लगेगा, मोर देन 60 है तो फिर इसके अकॉर्डिंग लगेगा। सर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एज चेक कर लेना, उनकी एग्जेम्पशन लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 ईयर से कम है तो आपके लिए एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, यानी मैं 2.5 लाख से ज्यादा अगर कमाऊंगा तो मुझे टैक्स देना है। ठीक है सर, एक फॉरेनर जिसकी एज 80 ईयर्स है वो इंडिया में आकर के अगर 4 लाख कमाता है, फॉरेनर इंडिया में आके 4 लाख कमाता है तो क्या उसे टैक्स देना है? हां, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख लगेगी। यानी कि जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए कोई भी एज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.50 होगी। यानी कि आगे चल के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एग्जामिनर आपको इन तीन पॉइंट्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, रेजिडेंट एज मोर देन 80, रेजिडेंट एज मोर देन 60 और नॉन रेजिडेंट एज 70, ऐसे लिखेगा। तो इन तीनों में आपने ध्यान रखना है कि कब एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी है, यही बात मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दी है और मैंने नोट लिख दिया है कि एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ नॉन रेजिडेंट हु इज ऑफ एनी एज, 60 इयर्स का हो या उससे ज्यादा का हो, 80 इयर्स का हो उससे ज्यादा हो, नॉन रेजिडेंट है तो बस फिर उसकी लिमिट कितनी है? 2.50 है। ठीक है, यह गलती मत करना, बस यहां पर गलती का स्कोप हो जाता है क्योंकि हम 60 और 80 को तो याद रख लेते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी मेमोरी से रेजिडेंट वर्ड उड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलिए जी, बहुत समय हमने लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? इनकम टैक्स बेटे एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स का सिस्टम जिसमें टैक्स रेट इंक्रीज होते जाते हैं विद इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा होती जाएगी तो टैक्स भी ज्यादा होता जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा कमाने की सजा मिलेगी, ज्यादा बड़ा सरकार का हथौड़ा आपके ऊपर पड़ेगा। सर यह सही बात है, जो टैक्स नहीं देता उसे लगता है सही बात है, जो टैक्स देता है उसके एंगल से कुछ और हो जाता है। खैर, इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज टैक्स रेट, मतलब जो आपने टैक्स दिया और जितनी आपकी इनकम थी वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम बढ़ती जाएगी। मतलब आप कई बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हमें बुद्धू बनाते हुए सुन लोगे, ऐसे बोल रहे, अरे कोई व्यक्ति 7-8 लाख कमाता है तो उस पर टैक्स का बर्डन कितना है? 2%, 2.5% क्या हो गया? आपको लगेगा हाँ हाँ 2-2.5% क्या हो गया। फिर जैसे वो इंसान 15 लाख कमाता है तब 25 कमा रहा है, तो क्या 25 बहुत बड़ी बात है आज की डेट में? नहीं नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे 8-8, 10-10 लाख से तो आजकल बच्चों के पैकेज स्टार्ट होते हैं, तो 8-10 लाख कौन सी बहुत बड़ी बात है? अरे सड़क पर अगर आप कोई छोटी मोटी कार भी लेने के लिए निकलेंगे तो बाजार में चेक कर लो, 10 लाख से नीचे की तो कार भी नहीं मिल रही, यानी 10-15-20 लाख तो बहुत मामूली बातें हो गई हैं आजकल। गवर्नमेंट कहती है लेकिन हमें लोग बताते ही नहीं। अरे बताएंगे क्यों? समय के साथ साथ सब कुछ बदला, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट आपके रेट ऑफ टैक्स नहीं बदले, और आप कितना भी डंडा मार लो जनता तो जनता है, अपने तरीके से ही चलेगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की आड़ में सरकार लॉ को गलत तरीके से एनफोर्स करा रही है, जबरदस्ती कर रही है, इसलिए वो दिक्कत में आ रही है। अब आप धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है, यह एक डिबेटेबल बात है। अंडर दिस सिस्टम हाई इनकम अर्नर्स पे मोर टैक्सेस देन लो इनकम अर्नर्स ऑन परसेंटेज बेसिस। यह डिबेटेबल बात नहीं है कि भाई जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स क्यों दे, कितना दे, गरीब कौन है, अमीर कौन है, लिमिट क्या है, यह डिबेटेबल बातें जिसपे सरकार कभी भी डिबेट करना नहीं चाहती। और मैं चाहूंगा कि यहां से आप इस बात को पढ़ें, भले आप टैक्स नहीं देते हैं आप समझें, क्योंकि आज से डाउन द लाइन 2-4-5 सालों के बाद आप टैक्स के दायरे में आने वाले हैं। ठीक, चलिए अब वापिस जाना होगा मुझे, एक पॉइंट और रह गया है वो बताना है, उसके बाद हम अपनी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज एन असेसी। अब ध्यान से,
एंड ही इज लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट, यानी टैक्स के रेट कहां लिखे हैं फाइनेंस एक्ट में, जो कि हर साल नया आता है, और साथ ही साथ कुछ टैक्स के रेट इनकम टैक्स के एक्ट में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक कि हमें आपके साथ रिदम बनानी थी, तो अब मैं आपके साथ ये चर्चा करूंगा कि फाइनेंस एक्ट में कौन से टैक्स रेट लिखे हुए हैं और इनकम टैक्स एक्ट में कौन से रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए जी, पहले हम आपके साथ बात करेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स जो कि फाइनेंस एक्ट में लिखे गए हैं, और अभी हमारा रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट 2018 है। आप अगर क्लास वन जाके चेक करेंगे तो हमने आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट में एक होता है शेड्यूल वन, और शेड्यूल वन का जो पार्ट थ्री होता है वो हमें बताता है कि हमारे करंट के जो टैक्स हैं वो कौन से टैक्स रेट हैं, वो हमें शेड्यूल थ्री सॉरी शेड्यूल वन पार्ट थ्री बताता है। ये देखिए, ये हमारी क्लास नंबर वन थी, और क्लास नंबर वन में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये रहा कि फर्स्ट शेड्यूल जो होता है फाइनेंस एक्ट का, उसके चार पार्ट होते हैं, उसका पार्ट थ्री जो होता है वो हमारे टैक्सेस के रेट बताता है। ठीक है, और वही हम आज की क्लास में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सर पर्सन में तो सेवन कैटेगरीज के लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक, तो सातों कैटेगरीज के रेट क्या क्या होंगे आप आराम से समझिए। ठीक है, आपको याद भी करने हैं। सबसे पहले हम बात पकड़ते हैं किसकी, इंडिविजुअल की, एचएफ की, एओपी की, बीओआई की, और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की। सर आपने इन सबको एक साथ क्यों लिया, क्योंकि इन सब के ऊपर ही ना स्लैब रेट लगता है, मतलब वो प्रोग्रेसिव टैक्स की कहानी लगती है, बाकियों के लिए फ्लैट रेट है, और फ्लैट रेट बहुत ही आसान होता है। ठीक, नाउ इंडिविजुअल कैसा है, रेजिडेंट है जिसकी एज 60 ईयर से कम है, यानी मैं सरकार की नजरों में एक आम आदमी हूं, सरकार के लिए तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं कौन हूं, रेजिडेंट हूं, एज 60 से नीचे। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊं, एज 65 हो जाए, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो उसकी कोई भी एज हो, 60 अबव हो, 80 अबव हो, उसके लिए भी यही रूल है। एचयूएफ के लिए भी यही रूल है, एओपी के लिए भी यही रूल है, बीओआई के लिए भी यही रूल है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए भी यही रूल है। यानी ये जो मेरी कैटेगरी है ना, ये होगी नॉर्मल कैटेगरी, जो कि हम क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार डिस्कस करेंगे। हां, जो हम सबसे ज्यादा बार डिस्कस करते हैं ना, वो एग्जामिनर नहीं पूछता, एग्जामिनर को पता होता है, ये हर किसी को पता होगा, ये बहुत कम लोगों पर लग रही होती है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन इन्हीं पर बनाता है, तो इन्हें आप ध्यान से बाद में याद रखना, पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, रेजिडेंट हो 60 ईयर से नीचे, नॉन रेजिडेंट हो कोई भी एज हो, एचएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल पर्सन, हमारे क्वेश्चन में ज्यादातर अभी इंडिविजुअल की ही बातें होंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है इस इंडिविजुअल की इनकम बताओ कितनी है। अगर इसकी इनकम अप टू रूपीज 2,50,000 है तो इसका टैक्स का रेट होगा निल। इनकम कितनी है, अप टू रूपीज 2,50,000, और टैक्स कितना होगा, निल। ठीक है, नाउ अब हम प्रैक्टिकल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स टोटल इनकम रुपीज 2,50,000, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय हिम। आपने बताना है कि भाई उसको कितना टैक्स देना है। नाउ ठीक है, तो मैं आपके साथ सबसे पहले ये वाली सी कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूं, जो ज्यादातर लोगों पर लगती है। इसमें लिखा है कि अप टू 2,50,000 तक टैक्स निल होता है, तो हम लिखेंगे कि टैक्स ऑन रुपीज 2,50,000 निल, बात खत्म। सर इतना आसान, ये क्या बात है, अरे धीरे धीरे, कोई नहीं। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अब इस व्यक्ति की इनकम थोड़ी और बढ़ा देते हैं,
नाउ अगर इसकी इनकम 2,50,000 2,50,000 से ज्यादा हो तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने पहले 2,50,000 तक की इनकम निल लेनी है, यानी ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो हर व्यक्ति को मिलेगी, यानी 2,50,000 तक हम उससे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे इनकम पर। अगर उसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने ये कैटेगरी बनाई है 2,50,000 से ज्यादा लेकिन 5,00,000 तक, तो उस इनकम पर उसे 5% टैक्स देना है। तो अगर उसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है लेकिन 5,00,000 तक है तो उसको टैक्स देना है कितना, 5%। ठीक है, अगर उस पर्सन की इनकम 5,00,000 को क्रॉस कर जाती है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि फिर 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक की इनकम पर टैक्स देना होगा 20%। और अगर वो 10,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा 30%। तो ये स्लैब है, ये स्लैब्स आपको रटनी पड़ेंगी कि पहले 2,50,000 तक कुछ भी नहीं है, अगले 2,50,000 से 5,00,000 तक की इनकम पर 5% है, फिर 5,00,000 से 10,00,000 पर सीधा जंप करके सरकार 20 पे ले आती है और 10 पार करते ही 30 लगा देती है। ठीक है, ओके, नाउ वापिस आते हैं। मुझे पता है अभी आपको अच्छी तरह से याद नहीं हुई है, अभी वापिस आते हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिए। ये जो टैक्स निकल के आएगा हम आपको सिखाएंगे, घबराने की बात नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लेगी। अब सरकार कह रही है कि भाई हम गरीबों को स्वास्थ्य देंगे, क्या नाम रखा हुआ है उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा, आयुष्मान योजना है या क्या योजना है, जिसमें हम 5,00,000 तक का जो फैमिलीज को हेल्थ का वो देंगे बेनिफिट, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और घर घर तक जो बेसिक एजुकेशन पहुंचानी है, स्कूली एजुकेशन तक पहुंचानी है, उसके लिए सरकार को जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो सरकार हमसे इस टैक्स के ऊपर 4% का टैक्स लगाती है। इन केस ऑफ एवरी पर्सन अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज, अभी आपको पता नहीं आएगा, शेल बी इंक्रीज बाई 4%, यानी अभी आगे चल के एक सरचार्ज भी आएगा लेकिन फिलहाल 4% तो एक्स्ट्रा दो। इन केस ऑफ एवरी पर्सन, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये कौन देगा? एवरी पर्सन लिख दिया तो अंडरस्टूड बात हो गई ना, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, HUF हो, कंपनी हो, AOPO, BOI हो, हर किसी को देना है। मैं भले अभी इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, आगे सबको देना है। ठीक है, 4% देना है, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट आएगा उसके ऊपर 4% देना है। मान लीजिए आपके टैक्स का अमाउंट बना 5,000 रुपए, तो 5,000 का 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, इससे पहले मुझे एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ाना है, पॉइंट नंबर वन, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। रिबेट, देखो डिस्काउंट हो, रिबेट हो, एक ही बातें हैं, डिडक्शन हो, एक ही बातें हैं, मतलब कुछ घटाया जा रहा है। रिबेट का मतलब होता है कि जो भी आपका टैक्स बना उस टैक्स को हमने कम कर दिया। डिडक्शन का मतलब होता है जो आपकी इनकम बनी उसको हमने कम कर दिया। डिडक्शन से ज्यादा अच्छी तो रिबेट होती है, सीधा सीधा टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो रिबेट मिलेगी कितनी, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए की रिबेट मिलेगी। किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। याद रखना, रिबेट मिलेगी किसको? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। भूल गए तो गड़बड़ कर दोगे। उस रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगी 2,500 रुपए की मैक्सिमम, जिसकी इनकम 3,50,000 रुपए से ज्यादा ना हो। 2,50,000 तक की इनकम माफ है, लेकिन आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है और 3,50,000 रुपए तक है तो आपको रिबेट ध्यान रखनी है कितनी, मैक्सिमम 2,500 रुपए। तो इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, याद रखना रेजिडेंट होने चाहिए, हुज टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80 डज नॉट एक्सीड 3,50,000। सर 3,50,000 इनकम है तो रिबेट मिलेगी? यस, यहां लिखा है डज नॉट एक्सीड, यानी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3,50,000 है तो भी आपको रिबेट मिलेगी। ओके, इज अलाउड अ रिबेट कितनी, 100% ऑफ टैक्स पेबल। हो सकता है कि आपकी इनकम 3,00,000 हो सकता है आपकी इनकम 2,60,000 हो, तो आपका टैक्स तो बना मान लीजिए मात्र 500 रुपए, तो रिबेट आपको 2,500 की कैसे मिलेगी? रिबेट का मतलब है कि टैक्स में से माइनस होगा। तो रिबेट कितनी मिलती है? गवर्नमेंट कह रही है जितना आपका टैक्स बनेगा या फिर ₹2,500 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा टैक्स का अमाउंट और 2,500 रुपए जो भी कम होगा वो आपको हम रिबेट देंगे। कैसे देंगे अभी बताता हूं।
However, as per section 112 capital A, 112 capital A, this rebate shall not be allowed from long term capital gain taxable under at the rate of 10%. ठीक है, ये एक नोट अभी आप बस अपने पास नोट में डाल लो. ठीक है, यहां तक की बातें आपको हम पहले समझाएंगे फिर आगे चलेंगे. ठीक है, और ये जो बातें हमने आपको बताई हैं इसकी मोस्ट ऑफ द बातें आपको पेज के लेफ्ट साइड पे मिल रही हैं. तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आगे और आपको समझाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. एग्जाम्पल नंबर टू, आप यहां लिखिए मिस्टर एम रेजिडेंट इन इंडिया और टोटल इनकम इसकी ले लेते हैं रुपीज 2,90,000, ज्यादा नहीं 2,90,000. कंप्यूट टैक्स पेबल बाय हिम. सर आपने इसकी एज तो हमें बताई नहीं, चलो इसकी एज ले लेते हैं हम लोग 40 इयर्स. ठीक है, ओके. सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसकी स्लैब क्या होंगी. इसकी इनकम दी हुई है मुझे 2,90,000. आपके माइंड में ये वाला चार्ट आ जाना चाहिए सही सही कि अप टू 2,50,000 रुपए तक रेट ऑफ टैक्स होता है निल. 2,50,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक की इनकम हो तो टैक्स का रेट है 5%. तो इसकी ये जो इनकम है, ये जो इनकम है कितनी है, मात्र 40,000 रुपए. ठीक है, इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है 5%. अगर ये आप स्लैब निकालनी सीख गए ठीक ठीक तो अमाउंट ऑफ टैक्स भी ठीक ठीक निकालना सीख जाएंगे. जल्दी नहीं करना, पहले ये स्लैब बनानी सीखना. ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे. पहला तो हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट रुपीज 2,50,000. यानी पहले हम यहां से चलना शुरू करेंगे. गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इस व्यक्ति की 2,50,000 रुपए तक की इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो ये टैक्स बन गया निल. ठीक है, फिर अगर 2,50,000 से इनकम ज्यादा है तो 5,00,000 तक उसका रेट 5% रहेगा. हां सर, इसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है और 5,00,000 से कम है. ठीक है, तो इस स्लैब में उसकी इनकम है 40,000, उस पर टैक्स लगेगा 5%. तो हम लिखेंगे नेक्स्ट रुपीज 40,000. ठीक है, अगर आप अभी पहली पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आप अभी लिखना मत, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. मतलब अगली जो उसकी इनकम है वो है 2,90,000 माइनस 2,50,000. पहली वाली स्लैब को हटाने के बाद जो रिमेनिंग इनकम आ रही है उसकी बात कर रहा हूं. ठीक है ना, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं लिखूंगा यहां पर ऐसे नहीं, ऐसे 40,000. तो अगली 40,000 पे उसे टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 5%. कितना हो गया बताएं, जल्दी बताएं. सर ये हो गया 2,000. ओके, मैंने इसको ऐड किया. फिर मुझे याद आया कि सरकार ने हमें एक फायदा दिया था और वो फायदा था कि अगर आपकी इनकम 3,50,000 रुपए तक है तो आपको 100% ऑफ टैक्स अमाउंट या फिर 2,500 रुपए विच एवर इज लेस उसकी हम रिबेट देंगे. ठीक है, तो मुझे बताइए क्या इसको रिबेट मिलेगी. तो यहां पर लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए. कितनी मिलेगी, टैक्स का अमाउंट या फिर मैक्सिमम 2,500, दोनों में से जो भी लोअर है रिबेट मिल जाएगी. तो यानी ये लोअर है, ये 2,000 का 2,000 रिबेट मिल गई. तो इसका टैक्स पेबल कितना हो गया, निल हो गया. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप टैक्स निकालना है और फिर अगर रिबेट एप्लीकेबल है, 3,50,000 से नीचे की इनकम है, रिबेट लगाओ और फिर आगे चलेंगे. सर अगर ये टैक्स पेबल कुछ अमाउंट आ जाता, अगर आ जाता तो फिर हम इसके ऊपर क्या करते, हम इसके ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते. सर ठीक है दोबारा करते, मैंने कहा दोबारा करते. एग्जाम्पल नंबर थ्री, मिस्टर ए रेजिडेंट एज 45 इयर्स, टोटल इनकम
रुपीज 3,50,000 कंप्यूट टैक्स पेबल। आराम से, कोई जल्दी नहीं। तो पहले मुझे अपने माइंड में सेट करना है, इसकी स्लैब्स को सेट करना है, ठीक है ना। तो पहले 2,50,000 तक, क्योंकि इसकी एज ना 60 से नीचे है, 2,50,000 तक तो सर कुछ भी टैक्स होता नहीं है। अगली स्लैब जाती है सर 5 लाख तक, उस पर टैक्स होता है 5%। पहले माइंड में ये आना चाहिए, आ गया। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है? नहीं जा रही। तो 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो फिर ये टेबल भी और आगे क्यों बनाऊं? जब जाएगी तो आगे बनाऊंगा, ठीक है। इसकी इनकम है सर 3,50। ओ, यानी इसकी तो इनकम केवल यहीं पर 3,50 है। तो पहले क्या आप स्लैब को लगाना सीख गए हो? हाँ सर, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले हम इस स्लैब के ऊपर आते हैं। हमने हमेशा लिखना है फर्स्ट रुपीज 2,50,000 टैक्स रेट होगा निल, ऐसे निल, ठीक है सर, ये हो गया। अब 250 से लेकर के उसकी इनकम 3.5 तक है, यहां तक की जो भी उसकी इनकम है उसको मैं कैसे लिखूंगा? 2.5 लाख से ज्यादा और 3.5 लाख रुपए तक के बीच की कितनी इनकम है, तो मैं लिखूंगा ऐसे। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा माइंड पढ़ना है तो मेरा माइंड कह रहा है अगली 3,50 - 2,50, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं इसको लिखूंगा सीधा सीधा कैलकुलेट करके, नेक्स्ट 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 3.5 लाख की मैंने नीचे से स्लैब्स क्रिएट कर ली हैं, इस पर टैक्स लगेगा 5%। ओके, तो सर ये कितना हो गया? सर ये टैक्स हो गया 5,000। ओके, ये टैक्स बन गया टोटल 5,000 रुपए। क्या इसको रिबेट मिलेगी? हां सर, रिबेट मिलेगी, क्योंकि ये रेजिडेंट है और इसकी इनकम 3,50 से अधिक नहीं है। रिबेट मिलेगी, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी मिलेगी? टैक्स का अमाउंट 5,000 या फिर 2,500, विच एवर इज लेस। तो सर दोनों में से कम तो 2,500 हो गया, ठीक है जी। तो ये इसका टैक्स निकल के आ गया 2,500 रुपये। सर पिछले क्वेश्चन में रिबेट लगाने के बाद में टैक्स पेबल खत्म हो गया था, लेकिन अब की बार टैक्स पेबल निकल आया है। अब टैक्स पेबल निकल आया है तो गवर्नमेंट कहती है हर एसएससी को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है एट द रेट ऑफ 4%। जो हमारा करंट फाइनेंस एक्ट 2018 है, इसमें ये 4% हुआ है, उससे पहले सिर्फ ये 3% होता था। तो 3% वाली बुक के एडिशन पुराने हैं, अब हमारे ऊपर ये 4% एप्लीकेबल है। तो एड पहले नाम होता था सिर्फ एजुकेशन सेस, अब नाम है हेल्थ एजुकेशन सेस। कलर चेंज कर रहा हूं आपका फोकस बढ़ाने के लिए, कि अब ये 4% लगाया जाता है, और ये 4% इनकम के अमाउंट पर नहीं, टैक्स के अमाउंट पर लगाया जाता है। यानी ये 4% जो लगेगा वो 2,500 रुपए के ऊपर लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये 100 रुपए बन जाएगा। यस, ये बन गया 100 रुपीज। तो इसे देना पड़ेगा 2,600 रुपए। हमारा काम यहां पर खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को एवरेज टैक्स का क्या इसके ऊपर बर्डन आया? तो एवरेज टैक्स आपके समझने के लिए बता रहा हूं, कितना टैक्स बना, कितनी इनकम इंटू 100% निकालना है तो इंटू 100। तो सर इसने 2,600 रुपये टैक्स दिया और इसकी इनकम थी 3,50,000 इंटू में 100। तो जरा मैं देखूं इसके ऊपर टैक्स का बर्डन कितना आता है। सर मात्र 0.74%, बताओ 1% का भी बर्डन नहीं है। तो सरकार हमें ऐसे बताती है, बताओ 3.5 लाख कमाने वाले से हम ले ही क्या रहे हैं, 0.74% टैक्स। खैर चलिए, ये जो बात हमने आपको बताई, ये समझाने के लिए बताई कि प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का रेट बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपके केवल जनरल नॉलेज पर्पस के लिए था सर। और आगे चलते हैं, मैंने कहा ठीक है और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर अब कितना हो गया, 4। मिस्टर एक्स रेजिडेंट,
टोटल इनकम कितनी ले ले इसकी टोटल इनकम? सर इसकी टोटल इनकम ले लेते हैं 5,40,000 रुपीज। मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, टोटल इनकम है 5,40,000 और उसकी एज हम ले लेते हैं लेट अस सपोज 54 ईयर्स, यानी अभी भी वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। 60 हो जाएगी तो फिर कैटेगरी कुछ और हो जाएगी, 80 हो जाएगी तो कैटेगरी कुछ और हो जाएगी। अभी हम पहली कैटेगरी के अंदर हैं कि आप स्लैब वाइज उसकी इनकम बाइफरकेट कर पा रहे हैं, रेट लगा पा रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, जरा यहां पर अपने समझने के लिए स्लैब बनाओ। इसकी इनकम है 5,40,000, यानी ये 2.5 लाख की स्लैब को क्रॉस करेगा। इसका मतलब सर ये 5 लाख वाली स्लैब को भी क्रॉस करेगा, लेकिन उसके ऊपर की जो 10 लाख वाली स्लैब है, 5 से 10 लाख वाली, ये इसी के अंदर रह जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ओके। इसका टैक्स रेट होगा नील, इसका टैक्स रेट होगा 5% और इसका टैक्स रेट सीधा सीधा 20%। अब बताइए जी, इस स्लैब के अंदर इनकम कितनी है? 2.5 लाख। इस स्लैब के अंदर भी इनकम 2.5 लाख। बताओ थर्ड स्लैब में उसकी इनकम कितनी है जो 20% के रेट पे टैक्स होनी है? तो सर उसकी इनकम तो थी 5.4 लाख, तो यानी ये वाली इनकम उसकी और बच गई जो 20% पे टैक्स होनी है, यानी 40,000 पे 20%। सर एग्जाम में क्या ये डायग्राम बनाना है? अरे नहीं, ये आपकी समझने के लिए है कि आप स्लैब ठीक से अंडरस्टैंड कर रहे हो, बस। ओके, तो सर हमने लिखा, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2,50,000 रुपए पर जीरो टैक्स रेट होता है, तो ये कोई टैक्स बना ही नहीं। ओके, अगली 2,50,000 पर, यानी ये वाली 2,50,000 पर कितना बना? 5%, 12,500 रुपए। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो बाकी 5 लाख से ज्यादा जो इनकम वो कमा रहा है, बोलो कितना लिखूं? इसको लिखूंगा 40,000 एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो सर ये तो 20%, ये कितनी हो गई? 8,000 रुपए। तो ये टैक्स पेबल निकल के आ गया इसका 20,500 रुपए। क्या इस पर रिबेट एप्लीकेबल है? सर कैसी बात कर रहे हो, रिबेट तो 3,50,000 रुपए तक के लिए ही होती है। हाँ, लेकिन साथ याद रखना रेजिडेंट के लिए होती है। ठीक है, तो ये रेजिडेंट है लेकिन इनकम 3,50 को क्रॉस कर गया, कोई रिबेट नहीं है। क्या एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? यस, एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। याद रखना कि ये टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगता है, इनकम के अमाउंट के ऊपर नहीं लगता। तो 20,500 इंटू 4%, 820 रुपए। 0, 2, 8 और 5, 13। ठीक है, ये हमारा फाइनल टैक्स पेबल ये बना, और ये भी मल्टीपल ऑफ 10 में होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं होगा तो इसको भी हम मल्टीपल ऑफ 10 में लाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5, मिस्टर आर, चलो मिसिज आर, रेजिडेंट, एज 38 ईयर्स, टोटल इनकम ₹12,00,000। मिसिज आर रेजिडेंट हैं, 38 ईयर्स की एज है और इनकम है उनकी 12 लाख रुपए, टैक्स बताएं। तो सर मैं तो अभी भी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, भले हो सकता है आप बायफरकेशन करनी सीख गए। पहले 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख से ऊपर सीधा सीधा 30%, लेकिन इसकी इनकम यहां पर है 12 लाख। तो पहले इनकी स्लैब्स बनाइए। पहली स्लैब 2.5 लाख, अगली स्लैब फिर से 2.5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अगली स्लैब 5 लाख, उसके अगली स्लैब 2 लाख। अब यहीं से देख करके आपने मुझे बताना है, हम लिखेंगे सबसे पहले
2.5 लाख रुपए पर नील रेट के हिसाब से टैक्स बना नील, ठीक है। फिर सर अगले 2.50 के ऊपर टैक्स बना 5%, 12,500। फिर अगले 5 लाख के ऊपर ये टैक्स बन गया 20%। अब जरूरी नहीं है कि आप मेरी कॉपी करेंगे, आप रोक करके खुद से ट्राई कीजिए। हाँ सर खुद करेंगे। ये बन गया 1 लाख रुपए। और सर बाकी का जो बैलेंस है, 2 लाख रुपए की जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर टैक्स आ गया 30%, 60,000 रुपये, ठीक है। तो ये देखो ये टोटल इनकम पूरी की पूरी बननी चाहिए 12 लाख। ये टोटल इनकम 12 लाख, इसको स्लैब बाय स्लैब हमने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है सर। तो ये हो गया 1,72,500। इसके ऊपर हम एजुकेशन और हेल्थ का सेस लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4%। 172,500 इंटू 4%, ये हुआ 6,900, ठीक है। अगर मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए तो आपने मेरा कॉपी नहीं करना, आपने अपना वाला लेना है, ठीक है। तो सर ये हो गया 9 और 5, 14, एक कैरी 639, 179,400, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टर वाई रेजिडेंट एज 60 इयर्स। मिस्टर वाई रेजिडेंट एज 60 इयर्स, टोटल इनकम 14,20,000 रुपये। अब इसके ऊपर आप कैसे स्लैब बनाएंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे बताइए। मिस्टर वाई रेजिडेंट एज 60 इयर्स, यानी अब इनके ऊपर दूसरी स्लैब लग गई है। कौन सी स्लैब लग गई है आइए जी। अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 इयर्स से ज्यादा है लेकिन लेस देन 80 है, तो दरअसल आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है ना वो 3 लाख पे आ गई है। इसीलिए पहले जो हम कह रहे थे ना कि अप टू 250 नहीं होगा, अब हम लिखेंगे अप टू 3 लाख नहीं होगा, अप टू 3 लाख नहीं होगा, ठीक है। और फिर 3 लाख टू 5 लाख की जो कैटेगरी है, हाँ, इसकी अपर लिमिट 5 लाख ही है। तो 3 से 5 लाख तक इसका रेट 5% है, 5 से 10 लाख तक वही 20% है, और 10 से ऊपर वही 30% है। वही एजुकेशन सेस है और रिबेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर इनकम 3.5 से ज्यादा चली गई, 3.5 से कम है, 3.5 तक है, तो रिबेट जैसे पहले मिल रही थी अभी भी मिलेगी, ठीक है। सब कुछ वही है, स्लैब रेट में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब इसकी स्लैब को ध्यान से बनाइए, बताइए इसकी स्लैब कैसे बनेगी। 0 पहले 2.5 लाख। सर मजे ले रहे हो क्या, पहले 3 लाख। अगर बैग गलत नहीं लिखूंगा तो मोनोटोनस हो जाएगा, आप भी लिखना शुरू कर दोगे। देखना होता है कि हाँ आपने बात पकड़ी, हाँ सर आपने गलती करी, ठीक है। 5 लाख, अगली क्या है 10 लाख, और उसके अबव देयर इज नो लिमिट। अभी तक आगे चल के उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। तो सर यहां पर रेट ऑफ टैक्स निल है, यहां पर 5% है, यहां पर 20 है, और यहां पर 30 है, और इस कैटेगरी में हमारी इनकम 14.2 लाख है। तो सिर्फ स्लैब सही सी बना दो बस। सर पहली स्लैब 3 लाख, दूसरी स्लैब अब 2 लाख, फिर ये 5 लाख। आपको ध्यान ये रखना है बेटे कि ये दो स्लैब आपकी चेंज हो सकती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि डायग्राम बना के काम कीजिए। सर तो हम लिखेंगे फर्स्ट 3 लाख निल रेट ऑफ टैक्स, अगले 2 लाख पर 5%, यानी कि 10,000। अगले 5 लाख पर 20%, 1 लाख रुपए। और फिर 14.2 माइनस 10, यानी ये लास्ट स्लैब हमारी बनेगी, बैलेंस 4,20,000 की जो इनकम बच गई उसके ऊपर 30%,
हम कैलकुलेटर चला लें कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, 1,26,000 रुपये, 1,00,000, 2,36,000 रुपये प्लस हायर और सॉरी हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, 9,440,044,9 और 6,15, 2,45,440। अब बहुत देर हो गई, हमने एवरेज रेट ऑफ टैक्स नहीं निकाला, मुझे बताओ इसके ऊपर अब एवरेज टैक्स का परसेंटेज क्या, बर्डन कितना आ रहा है, 2,45,440 डिवाइडेड बाय कितनी इनकम थी, 14,20,000, तो 245,440 डिवाइडेड बाय 14,20,000 परसेंटेज। अब इसके ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा है 17.28%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी आपका बढ़ता जाएगा, समझा? ठीक है, ऐसे कई सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तब जा करके आपको धीरे धीरे ये स्लैब समझ में आएंगी, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? मैं एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं। चलिए, मैंने कहा मिसिज आर रेजिडेंट, एज कितनी ले लू मैं इसकी, 80 ईयर्स, टोटल इनकम रुपीज 18,00,000, कंप्यूट टैक्स पेबल। और बच्चों ने फटाफट वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। जो सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5,00,000 है, ठीक है? तो ये जो दो कैटेगरी यहां पर बन रही थी ना, इनमें ये समा के एक बन गई, इनकी 5,00,000 तक की इनकम निल होती है। फिर 5 से 10 वाली कैटेगरी सब में सेम है, तो यहां भी 20% है और 10,00,000 से ऊपर 30 है। यानी गवर्नमेंट जो 5,00,000 का बायफर्केशन कर रही थी, 2.5-2.5, 3,00,000 और 2,00,000, अब वो दो मिलके एक ही कैटेगरी में चला गया, उसके लिए जिसकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा हो गई है या 80 हो गई है और वो रेजिडेंट है। ठीक, तो मैं इसकी भी पहले ऐसे ड्राइंग बना के चेक करूंगा। इसकी पहली लिमिट है 5,00,000 रुपए तक निल, फिर 5,00,000 के बाद 10,00,000 रुपए तक सीधा 20% और 10,00,000 से ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30%। हमारी इसकी इनकम है 18,00,000, यहां पर ये इसकी इनकम आ रही है 18,00,000। तो पहला स्लैब 5,00,000 का है, दूसरा स्लैब 5,00,000 का है और यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा स्लैब 8,00,000 का है। तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट 5,00,000 पर निल, तो जीरो हो गया। उसके बाद अगले 5,00,000 पर सीधा सीधा 20%, 1,00,000 रुपए। उसके बाद चाहे बैलेंस लिखो या नेक्स्ट लिखो, बस आपने यहां पर टैक्स का रेट सही से पकड़ना है। इवन हम लिख के भी नहीं बताते कई बार, ये वर्किंग नोट में भी हम आगे चल के कर लेते हैं, तो ये आपने प्रैक्टिस डाली है कि आप ठीक से पकड़ें। अब सर कितना हो गया, 2,40,000, टोटल 3,40,000, हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 13,600, टैक्स पेबल 3,53,600, ठीक है? हमें सिर्फ यहीं तक करके दिखाना होता है, आगे नहीं दिखाना होता। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सर मैं इसका एवरेज टैक्स रेट निकालना चाहता हूं कि इसको कितना टैक्स देना पड़ा। तो 353,600 डिवाइडेड बाय इसकी इनकम हमने ली थी 18,00,000, परसेंटेज पर बात करें तो ये बढ़ के 19.64% आ गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका एवरेज टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? हमारे पास इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी में मैं रेजिडेंट लिखूंगा, किसी में मैं नॉन रेजिडेंट लिखूंगा, जिससे कि प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में ये बातें आ जाएं, दो ही बातें, कि रिबेट सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है 3,50,000 तक की इनकम पे, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, और दूसरा 60-80 वाला खेल रेजिडेंट के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ठीक है? खैर, अभी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
उसी चार्ट को, टैक्स कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर भी मैं तो कहूंगा कि आप एक क्लास और रुक जाएं तो आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें कि नहीं सर कोई ना कोई टैक्स मुझे होमवर्क मिलना चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई होमवर्क मिलना चाहिए। तो आप मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मार्जिनल रिलीफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और रिबेट आपने पढ़ ली है, तो रिबेट आपने पढ़ ली है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1.7 करना चाहो तो कर सकते हो, और 1.7 करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें हालांकि स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1.8 कर सकते हो, टोटल इनकम ऑफ आर 46 ईयर, यहां लिखा नहीं है रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, कोई जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। आप 1.8 कर सकते हो, आप 1.9 भी कर सकते हो, 1.8 होमवर्क में ले सकते हो, 1.9 होमवर्क में ले सकते हो, 1.10 ले सकते हो, बस। तो आपके पास अभी होमवर्क में, आपके पास होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1.8, 1.9 और 1.10, इन तीनों में वो आपका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रिबेट वाला खेल प्रोफेसर साहब ने समझाने की कोशिश की है। तो आप ये करके देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।